शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के मेहरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत समंगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पिछले 2 साल से शौचालय क्षतिग्रस्त होने से 42 सहित 153 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है? हमारे विद्यालय में शौचालय टूटी हुई है और पंखे तो लगे हैं लेकिन उसमें बिजली नहीं आती है और बोर्ड तो है लेकिन उसमें अच्छे नहीं है और शौच के लिए हम बाहर जाते हैं। बाहर जाने में बेटा क्या दिक्कत होती है? बाहर जाने में हम जब किसी के खेत में या बाहर जाते हैं तो वो हमें डांटते हैं और गाली देते हैं। इस प्रकार हमारी जो मैम या टीचर पढ़ाते हैं तो वो हमारा छूट जाता है। कितने बच्चे हैं? 152 बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। शौचालय जाने के लिए बड़ी परेशानी है और अगर हाँ अगर माने है भी तो गांव वाले आके खराब कर जाते हैं। एक दिन सफाई होती है तो दूसरे दिन वो खराब कर जाते हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। ललितपुर जनपद के मेहरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत समयोंगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों लड़कियों के लिए शौचालय टूटे हुए थे, जिस पर मैंने 1.25 साल पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से लोगों को संगठित व जागरूक करते हुए मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाया हूँ। इस समस्या के समाधान करने के लिए तो कई लोग आए लेकिन कोई प्रोसेस नहीं हुआ। फिर आप आए हमारे विद्यालय में, वीडियो बनाया इसका और आपने अपनी संस्था के द्वारा वीडियो बनाकर ले गए यहाँ से, तो हमारे अब स्कूलों में जो समस्या थी लेट बात की अब वो पूरी हो गई है, सुलझ गई है और 3-3 लेट बात तैयार हो गए हैं और यहाँ पे शौचालय अभी 3-3 है। इससे हमारे स्टाफ को और यहाँ के स्कूल के बच्चों को बहुत फायदा है। बेटा स्कूल के कितने बच्चों को फायदा हुआ? 160 बच्चों को। अब आपको शौचालय बन गया तो क्या फायदा हुआ है? हम लोग बाहर भी नहीं जाते और किसी की डांट भी नहीं सुननी पड़ती और गाली भी नहीं, इससे हमारी पढ़ाई भी पूरी हो पाती। तो अब बेटा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है।